गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के बारे में सीखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में विद द हेल्प ऑफ लिस्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक फाइल को ओपन करते हैं, न्यू फाइल में क्लिक किए और एक फाइल एक प्रोग्राम लिखते हैं, लिस्ट बनाए नम लिस्ट, इसमें नंबर को स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर नंबर के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टोर कर लेते हैं। अगर लिस्ट में डेटा को देखना है तो लिखना पड़ेगा हमें प्रिंट नंबर इज नाम अंडर स्कोर लिस्ट, उसमें जो डेटा स्टोर है उस डेटा को हम लोग देख सकते हैं। अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट को देखना है तब हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नाम लिस्ट, और इसमें हमें 0 पास कर देना होगा। यदि हम इस लिस्ट के सेकेंड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट यदि देखना चाहते हैं तब हमें लिखना पड़ेगा नम लिस्ट 2:5। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव करेंगे, list1.py पाइथन का एक्सटेंशन आपका py होता है। क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल, आप देख रहे हैं पहला जो लिस्ट को दिखा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट है आपका 1 और 2, 2 से पांचवा एलिमेंट, सेकेंड से पांचवा एलिमेंट आप देखिए 3, 4, 5, ये आपका 0 पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड थर्ड और ये आपका फिफ्थ पोजीशन है सेकेंड रिंग। इसके बाद हम लोग यदि चाहते हैं कि सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट ना शो करे, बाकी एलिमेंट आपका माने कि आपका ऐसा एलिमेंट शो करे जिस एलिमेंट को मैंने बीच का डिफरेंस 2 का हो उनके बीच का, तो हम लिखते हैं ऐसे प्रिंट नाम लिस्ट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दे दीजिए, तो याद अब जो है डिफरेंस जो है वह आपका 2 का डिफरेंस चलेगा। रन में गए, रन मॉड्यूल 1, 3, 5, 7, 9 सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। इस तरह से लिस्ट के साथ हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो आपका म्यूटेबल होता है, इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क को परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं लिस्ट के साथ। अब हम लोग एक लिस्ट में स्टैक का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, वो छोटा प्रोग्राम बना के एक लिस्ट का दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक का प्रोग्राम STACK स्टैक, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ डेटा इसमें स्टोर हम लोगों ने कर लिया। प्रिंट ओरिजिनल डेटा प्रिंट फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग डेटा को देख सकते हैं। स्टैक डॉट अपेंड 7 इसमें अपेंड करना चाहते हैं, प्रिंट
स्टैक आफ्टर पुश ऑपरेशन, STACK। अब अगर पॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए है पॉप फंक्शन का यूज करते हैं, पुश करने के लिए अपेंड फंक्शन और पॉप करने के लिए पॉप फंक्शन। प्रिंट स्टैक आफ्टर पॉप ऑपरेशन, कंट्रोल एस से सेव कर लिए। यदि रन कराना चाहते हैं तो रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, आप F5 से भी रन करा सकते हैं। ओरिजिनल डेटा था 1 2 3 4 5 6, हमने पुश किया तो 7 पुश किया, पॉप किया 7 को पॉप करके भी दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैक आपका वन इंडेड बॉक्स होता है, जिसमें जिस इंड से इंसर्ट करते हैं उसी इंड से डेटा को हम लोग रिड्यूस करने का, मतलब ट्राइप करने का काम हम लोग उसी इंड से हम लोग करते हैं स्टैक के अंदर। तो आसानी से हम लोग स्टैक का प्रोग्राम पाइथन में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। पाइथन मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें जो भी हम लोग लिखते हैं टू द पॉइंट हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते हैं किसी प्रकार का, इसमें हम लोग हेडर फाइल का यूज भी हम लोग नहीं करते। तो इस तरह से वो छोटी छोटी बातें हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक होता है सेट, सेट जैसे मैथमेटिक्स में सेट होता है, उसी प्रकार से आपका पाइथन में भी सेट होता है। यह आपका, यह भी एक तरह का आपका डेटा स्ट्रक्चर ही है पाइथन जो सपोर्ट्स करता है, और एक सेट के साथ और दूसरे सेट को यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। S1 नाम का एक सेट बनाया मैंने, इसके कुछ एलिमेंट है 2 3 4 6 7 8। आपके और बेनिफिट के लिए निरंतर आपका वीडियो आ रहा है, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप निरंतर वीडियो, रेगुलर वीडियो आप देख सकें, जो आपके लिए बहुत मददगार है। प्रिंट S1 डॉट यूनियन, यूनियन के लिए हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। सेट में हम लोग मजली ब्रैकेट का, नहीं किसी को कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस का हम लोग यूज करते हैं। रन मॉड्यूल, अब आप देख रहे होंगे पहला S1 और S2 के एलिमेंट को यह आपका यूनियन निकाल दिया। प्रिंट S1 डॉट इंटरसेक्शन S2, और एक भी लिखिए दीजिए प्रिंट S1 डॉट डिफरेंस S2, कंट्रोल S से सेव कर लीजिए। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, तो यह आपका आसानी से हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इस सेट के साथ। तो सेट के लिए हम लोग मजरी ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ की वैल्यू को हम लोग दिखलाते हैं, जिसमें हम लोग जैसे रोल है और उसका रोल का कुछ वैल्यू है, की और उसका वैल्यू, दोनों को हम लोग शो करते हैं डिक्शनरी के अंदर, अंतर्गत हम लोग शो करते हैं। अब कैसे करते हैं वो चीज़ आप डिक्शनरी आप देख लीजिए, यह भी फैसिलिटी आपको पाइथन प्रोवाइड करती है डिक्शनरी का भी। जैसे मान लो डिक्शनरी एक मैंने बनाया DICT नाम दे दीजिए, DICT एक रिजर्व वर्ड है इसके अंदर, इसमें मैंने लिख दिया। और डिक्शनरी को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट का ही यूज डिक्शनरी में भी मैंने हम लोग करते ही हैं, कॉमा, रोल हो क्या नेम हो, कॉलन दिए, मनीष कॉमा दिए, एज 25 इयर्स, इसको हम लोग मैंने बंद किया। डिक्शनरी को देखना तो लिखेंगे प्रिंट DIC
कंट्रोल एस से सेव कर दिए, रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, आप हम लोग वैल्यू देख सकते हैं। डिक्शनरी भी सेट के तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लोग की और उसके वैल्यू को हम लोग लिखने का जॉब परफॉर्म हम लोग करते हैं डिक्शनरी में। साथ ही साथ इसके एलिमेंट को भी हम लोग एक्सेस करने का कुछ पैटर्न है। तो पूरा प्रिंट एलिमेंट दिखा दिया। अगर सिर्फ कोई पर्सन रोल देखना चाहता है तो ऐसे से प्रिंट कर सकता था, प्रिंट डिक्शनरी का नाम सिंगल कोट के बीच में रोल, कंट्रोल एस से सेव कर लिए। तो इसको जब रन कराएंगे तो इससे सिर्फ रोल का वैल्यू आपको दिखलाएगा। तो इस तरह से भी डिक्शनरी के किसी को सिर्फ नेम देखना है तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे आ जाएगा नेम। तो सिर्फ नेम के वैल्यू को वह आपका डिस्प्ले करेगा। रन मॉड्यूल तो आप देख रहे होंगे सिर्फ यह आपका नेम के वैल्यू को आपका डिस्प्ले करता है। तो डिक्शनरी भी को भी हम लोग मजरी ब्रैकेट के बीच में ही हम लोग लिखते हैं। तीसरा चीज होता है इसमें आपका टपल। टपल जो है वह आपका इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल कहने का सेंस है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैसे को हम लोग इम्यूटेबल के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि लिस्ट जो है, लिस्ट जो है आपका, वह आपका म्यूटेबल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है और टपल आपका इम्यूटेबल के कैटेगरी में हम लोग टपल को रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को बजाएं, जिससे आने वाले समय में पाइथन का और भी वीडियो मिल सके, क्योंकि यह पाइथन का आपका चौथा वीडियो था। थैंक यू।